वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर लोकसभा से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 25 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हो। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर वन, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन कौन सा है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन कौन सा है? इसका उत्तर है लोकसभा है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन। क्वेश्चन नंबर टू, हमारे देश भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? इसका उत्तर भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करती है लोकसभा। क्वेश्चन नंबर थ्री, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन से संबंधित प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन से संबंधित प्रावधान दिया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 81 और 331 में भारतीय संविधान में लोकसभा से संबंधित गठन का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर फोर, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? इसका उत्तर है 500 की गई है। क्वेश्चन नंबर फाइव, 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो इसका उत्तर 545 की गई है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? इसका उत्तर 552 हो सकती है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? इसका उत्तर जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती है लोकसभा में राज्यों को। क्वेश्चन नंबर एट, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? इसका उत्तर 545 है वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या। क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि कैसे चुने जाते हैं? लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि कैसे चुने जाते हैं? तो इसका उत्तर प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि। क्वेश्चन नंबर 10, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका उत्तर 25 होनी चाहिए लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो इसका उत्तर उत्तर प्रदेश राज्य का। तो उत्तर प्रदेश राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर 14 है झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक होता है? उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक होता है? तो इसका उत्तर महाराष्ट्र और बिहार। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर बिहार आता है। क्वेश्चन नंबर 15, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? इसका उत्तर मीरा कुमार है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? इसका उत्तर 40 है बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या।
क्वेश्चन नंबर से, लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? इसका उत्तर है जीवी मावलंकर, गणेश वी मावलंकर को लोकसभा का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? वैसे गणेश वी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, और लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन के अनंत शयनम अपंगर लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा का अस्थाई अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त करता है? लोकसभा का अस्थाई अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त करता है? इसका उत्तर राष्ट्रपति नियुक्त करता है लोकसभा का अस्थाई अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 20, किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? तो इसका उत्तर आपातकाल की स्थिति में, तो आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल संसद बढ़ा सकती है। क्वेश्चन नंबर 21, किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? इसका उत्तर बलराम जाखड़। तो बलराम जाखड़ लोकसभा का अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? इसका वित्त विधेयक। तो वित्त विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है। क्वेश्चन नंबर 23, लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र में के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? तो इसका उत्तर है दिल्ली। लोकसभा में दिल्ली संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? इसका उत्तर लोकसभा द्वारा पहले बजट पारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, किस लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? किस लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो इसका KS हेंगड़े। तो KS हेंगड़े के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। दोस्तों, यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम KBC GK चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो, तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, आपको स्टडी के रिलेटेड या एजुकेशन के रिलेटेड किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, कोई आपको जनरल नॉलेज के रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछना हो, तो डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाके आप हमें फॉलो कर सकते हो। और ड्रीम KBC GK का फेसबुक पेज भी, आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, तो डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कीजिए, आपको टाइम टाइम पे हम रिप्लाई अवश्य देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।